ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा कोई भी कम्युनिटी हो, जाट भी क्यों ना हो, सारे शूद्र में आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हिंदू धर्म बोल रहा है। हिंदू धर्म भी कोई धर्म नहीं है। राजस्थान का जयपुर, और राजस्थान में आपको भी मालूम है कि राजस्थान के नाम से ही नजर आता है जहां राजा पैदा हुए। हर एक कम्युनिटी का, हर एक जाति का, हर एक धर्म का अपना एक इतिहास होता है, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने जो कि दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्होंने राजस्थान के अंदर पूरे सिस्टम को चेंज करके रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही लाइव वीडियो पर जुड़े वैसे ही शेयर करते रहें, कुछ कुछ ग्रुपों में शेयर करें, कुछ अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें। जयपुर में आंबागढ़ किला है, आंबागढ़ किला जो कि मीणा समाज की धरोहर है, और उस धरोहर पर, उस किले पर जबरदस्ती भगवा झंडा फहरा दिया गया। अभी 1 अगस्त को जितने भी मीणा समाज के लोग हैं और जो एससी एसटी ओबीसी हैं, सभी साथी 1 अगस्त को इकट्ठा हो रहे हैं जयपुर आंबागढ़ किले पर। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जो अपनी भीम सेना है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं और सभी भीम सैनिकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। देखिए, हर एक धर्म का सम्मान होना चाहिए। आप पाखंड का विरोध करें, भलाई करें, बेशक करें, लेकिन प्रत्येक धर्म का सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक धर्म और हर एक जाति का अपना एक इतिहास होता है, और वो इतिहास देश का इतिहास भी माना जाता है अगर उन्होंने काम अच्छे किए हों तो। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, राजस्थान में उल्टा हो रहा है। आंबागढ़ किले पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल मैं पूछता हूं कि अगर आप मस्जिद पर जाकर भगवा झंडा फहरा देंगे तो क्या हटाया नहीं जाएगा? हटाया जाएगा। अगर आप मंदिर पर जाकर आप मुस्लिम का झंडा फहरा देंगे तो क्या हटाया जाएगा? नहीं हटाया जाएगा। हटाया जाएगा ना। ऐसी कंडीशन में मीणा समाज, जो राजस्थान का मीणा समाज है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, उनकी बहादुरी को भी सैल्यूट करता हूं। मैं तमाम एससी एसटी ओबीसी, गुज्जर, जाट, अहीर, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, और सभी के महापुरुष बराबर होते हैं। जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एक अकेले मेरे नहीं है, ये पूरे देश के हैं। और जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी को भी गालियां दी जाती हैं, विशेषकर तौर पर बाबा साहब अंबेडकर जी को गलत बताया जाता है सोशल मीडिया पर, और संविधान का विरोध किया जाता है। हम माताओं बहनों की आवाज उठाते हैं, हम पूरे देश की आवाज उठाते हैं, हम गरीबों की आवाज उठाते हैं। सिर्फ मैं नहीं करता, उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी आवाज उठाते हैं, आप भी वो दिलेर हैं, आप भी वो शेर हैं। किसी भी धर्म का अपमान या किसी भी जाति का अपमान अब नहीं सहा जाएगा। और विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, सुदर्शन न्यूज का जो मालिक है या पत्रकार है, नाम मुझे पता नहीं उसका क्या है, एक व्यक्ति है जो एंकरिंग करता है सुदर्शन न्यूज में, अगर आपको उसका नाम पता हो तो उसका नाम लिख करके भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसे गंदे लोगों का नाम मेरे दिमाग में नहीं रहता, और ऐसे गंदे लोगों का नाम मैं अपनी जुबान से लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारी जुबान बुरा मान जाएगी। आंबागढ़ किला मीणा समाज की धरोहर है, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। 1 अगस्त को पहुंचे भीम सैनिक, सभी पहुंचे 1 अगस्त को, और सभी का सम्मान बहुत जरूरी है। वहां जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, उन हालातों को बदल देंगे, बता रहे हैं। राजस्थान की सरकार भी सुन ले, गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि हम प्रायोजित नहीं है। जो लोग प्रायोजित होते हैं ना, वो कांग्रेस, बीजेपी वगैरह वगैरह में अपनी सेटिंग रखते हैं, हम सेटिंग नहीं रखते, क्योंकि हम प्रायोजित नहीं है। और जो ये न्यूज चैनल वाले हैं और तमाम लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम लेना पसंद नहीं करता मैं, क्योंकि हमारी जुबान बुरा मान जाएगी।
ये अपनी सेटिंग रखते हैं, ये गंदे लोग हैं और इन गंदे लोगों से दूर रहना होगा। राजस्थान में भाईचारा कायम करो, सबसे पहले भाईचारा जरूरी है। वहां पर कोशिश की जा रही है ओबीसी एससी एसटी और जनरल को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब भीमसेना आ गई है। भीमसेना ना किसी का अत्याचार सहती है और ना ही अत्याचार बर्दाश्त करती है। बता रहे हैं, खुल के खेलेंगे, उखाड़ देंगे और ठोंक देंगे, अंदर तक ठोंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं जयपुर को शांत रहने दो, क्योंकि जयपुर शांत है तो हम शांत हैं। जयपुर आंबागढ़ किला 1 अगस्त को पहुंचे सभी साथी, मैं आऊं या ना आऊं पूरी भीमसेना पहुंचनी चाहिए और दिखा दो वहां ताकत अपनी। ऐसे जो छछुंदर दो कोड़ी के लोग जो जाति और धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिश करते हैं ना, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और किसी में औकात है ना, किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो आ जाना, बिछा देंगे, आ जाना। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो असली वाला, क्योंकि उनकी मां ने दूध पिलाया नहीं, क्योंकि वो एक बाप की औलाद है नहीं। जैसे ये सुदर्शन न्यूज वाला है, नाम लेना पसंद नहीं करते, सीधी बात करते हैं, ठोंक के करते हैं, बिछा देंगे धरती में। ध्यान रखना, जैसे रोड पर व्यक्ति नहीं बिछाए जाते हैं, ऐसे बिछा देंगे, खुर्च के उठाना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, आबागढ़ किला है और मीणा समाज की धरोहर है, उखाड़ देंगे, बता रहे हैं। अगर ये भगवा वगवा करने की कोशिश करी तो उखाड़ देंगे। और हां, एक बात और बताए देते हैं आपको, थोड़ा सुन लीजिए, जाते जाते एक बात और बता देते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ जिसका काम होगा पूजा पाठ करना, ब्रह्मा के कंधों से क्षत्रिय पैदा हुआ जिसका काम होगा युद्ध लड़ना, ब्रह्मा की जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ यानी कि बनिया जिसका काम होगा सिर्फ व्यापार करना, और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुआ जिसका काम होगा इन तीनों वर्गों की यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनकी सेवा करना। अब शूद्र में सारे आ जाते हैं, चाहे वो मीणा समाज के साथी हों, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो अहीर हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग के कितने भी साथी हों, अलग अलग काम बांट दिए गए सबके। धोबी इनके कपड़े धोएगा, चमार जाटव इनकी जूती बनाएगा, इनके जूतों की पॉलिश करेगा। इस तरह से चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के अलावा कोई भी कम्युनिटी हो, जाट भी क्यों ना हो, सारे शूद्र में आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हिंदू धर्म बोल रहा है। हिंदू धर्म भी कोई धर्म नहीं है, उसके बावजूद भी ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मनु बोल रहा है, जिनको मनुवादी कहते हैं ना, मनु बोल रहा है। मनुस्मृति में बकायदा लिखा गया है, ये मैं नहीं बोल रहा और मैं नहीं कह रहा। इसलिए कहते हैं एक हो जाओ, एससी एसटी ओबीसी सारे एक हो जाओ, और जनरल से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जितने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन प्लीज किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। हम कहते हैं पाखंडवाद को दूर करो, दूर भगाओ। ब्राह्मण भी हमारे मित्र हैं, वैश्य भी यानी कि बनिया भी हमारे मित्र हैं, क्षत्रिय राजपूत भी हमारे मित्र हैं, किसी को भी ठेस ना पहुंचाए जाए। लेकिन ये चंद लोग होते हैं, चंद गंदे लोग जो इस तरह का घृणित काम करते हैं, इस तरह का गंदा काम करते हैं, बता देते हैं, होश में आ जाओ वरना होश में ला देंगे। और जितने भी राजपूत भाई हैं, जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, हमारी माताएं बहने हैं, जितने भी वैश्य यानी कि बनिया भाई और हमारी माताएं बहने हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो अपनी कम्युनिटी से जिन्होंने ये गलत काम किया है। भगवा झंडे से हमें विरोध नहीं है, भगवा झंडे से हमें आपत्ति नहीं है, हम पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन किसी मंदिर पर अगर मुस्लिम ध्वज फहरा दिया जाएगा तो उसको उतारा जाएगा, नहीं उतारा जाएगा। किसी मस्जिद पर अगर हिंदू भगवा फहरा दिया जाएगा उसको उतारा जाएगा, नहीं उतारा जाएगा, बताओ? ये बड़ा सवाल है, ये साहब के सामने बड़ा सवाल है, पूरी कम्युनिटी के सामने, पूरे देश के सामने बड़ा सवाल है। और ये न्यूज चैनल जो है ना, सुदर्शन न्यूज, होश में आ जाओ, सच्चाई बता रहे हैं। हम टीवी नहीं फोड़ते, सीधा सर फोड़ते हैं,
बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, टीवी नहीं फोड़ते हम लोग, जो मैच क्रिकेट मैच देखने वाले टीवी फोड़ देते हैं ना, ऐसे हम टीवी नहीं फोड़ते, सर फोड़ते हैं सीधा, ठोंक देंगे, बता रहे हैं। लाइव वीडियो को शेयर करो भाई, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, और हमारे मीणा समाज तक भी पहुंचाओ, हमारे ओबीसी भाइयों तक पहुंचाओ, पूरे देश में पहुंचाओ, जर्नल एससी एसटी ओबीसी सब तक पहुंचाओ। हमारे लिए देशवासी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भारत देश इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, और मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है। ओके, क्रांतिकारी जय भीम जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। लाइक शेयर एंड कमेंट, ठोक दो, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी